इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। अब से करीब 1 घंटे और 10 मिनट के बाद 5 राज्यों में वोटों की गिनती की शुरुआत होगी और उसके बाद आपके सामने रुझान आने लगेंगे और थोड़ी थोड़ी तस्वीर फिर धीरे धीरे करके साफ होगी कि किस राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। गहमा गहमी की शुरुआत हो चुकी है, वो तमाम काउंटिंग सेंटर्स जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम चुनाव से जुड़े हुए लोग और जाकर के जिनको काउंटिंग का जिनको जिम्मा सौंपा गया। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तरों का क्या हाल है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां पर काउंटिंग सेंटर्स पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होगा, वैक्सीनेशन हो चुका होगा, वही पहुंच पाएंगे काउंटिंग सेंटर्स पर। ये बात साफ कर दी गई थी। तो पूरी चेकिंग के बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है और इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस लगभग 1 घंटे का वक्त बचा है जब वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु में अब देखा जाएगा कि ना करुणानिधि है ना ही जयललिता है, तो ऐसे में चुनाव किस तरफ जाते हैं। और दूसरी बात है, क्या जो एक ट्रेंड लगातार आ रहा था केरल में वो बदल जाएगा और एक बार फिर से वही सरकार रिपीट कर पाई, क्योंकि हर 5 साल में बदल जाती है, ऐसा होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।